करते हैं और फिर चलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ, मिलते हैं सीधा दिल्ली एयरपोर्ट। ये देखो रानी गुफा, दो मंजिल है, देखो जी पूरी नकाशी की गई है, छोटी छोटी गुफाएं। आधे घंटे के लिए आई, उन्हें नाश कर दिया सारा, बताओ। आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, बताओ। 20 मिनट में प्रोग्राम कर, बताओ आपका। अब यहाँ आपकी रोजी रोटी है, डेली का सिस्टम है, अब बताओ। उसे उसे यहाँ की होके वो सोच नहीं रही तो कैसे सोचेगी कोई दुनिया। एक बार ये भैया केव्स, ये देखिए आप, खराब हो चुकी हैं अब तो, ऊपर भी है ये सब। तो भैया अभी पता लगा है मेरे को एक बात कि ये जो मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने किसी एक राक्षस का वध किया था, तो जब इसे यहाँ ये मंदिर बन गया है और 5000 साल पुराना मंदिर है। चलते हैं अब सीधा आगे की तरफ। तो भैया हम पहुँच चुके हैं उदागिरी और खंदागिरी केव्स पर। ये सामने तो है उदागिरी केव्स, अब यहाँ है खंदागिरी केव्स। टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ ये लगा हुआ है बोर्ड कुछ इनके बारे में। यह स्मारक प्राचीन और पुरातत्व स्थल अविशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किया जाता है कि तथा प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल का अवशेष संशोधन वैधानिक अधिनियम 2010 के तहत यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता है, नष्ट करता है, कलंक अथवा प्रेरित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है, दुरुपयोग करता पाया जाएगा तो उसे के लिए 2 साल तक की कारावास या 1,00,000 रुपये का जुर्माना। ये भैया टिकट है, 25 रुपये की टिकट है इसकी। ये भैया केव्स, ये देखिए आप, ख़राब हो चुकी हैं अब तो, ऊपर भी हैं ये सब। बाजागर गुफा, ये छोटी सी गुफा है बाजागर गुफा, थी क्या रानी गुफा में, देखते हैं, चलो चलते हैं ऊपर। ये कुछ ऐसे देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू अभी रथ यात्रा में आई थी तो यहाँ भी आई थी। ये देखिए सब लगाया हुआ है, मुर्मू जी के लिए बनाया गया था अभी कि ऊपर चढ़ के वो गुफाओं को देख सकें। ये देखिए नक्काशी की गई है बहुत बढ़िया गुफाओं पर। ये रानी गुफा है, ये देखो रानी गुफा, दो मंजिल है, देखो जी पूरी नक्काशी की गई है, छोटी छोटी गुफा जी गुफाएं हैं। कौन सोता होगा, क्या रहता होगा कोई, देखो जगह जगह रास्ते बने हुए बहुत सारे। ये देखिए छोटा हाथी गुफा, ये यहाँ छोटा हाथी रहता था, हाथी बना हुआ है देखिए। ये देखिए, ये देखिए पब्लिक कहाँ चढ़ी हुई है, अजीब और गरीब चीज़ें हैं भाई हिंदुस्तान में, जितना भी देख लो उतना कम। पूरा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, सबसे ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे कल राष्ट्रपति मुर्मू भी आई थी, बताया अभी यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने, यहाँ वो भी विजिट करके गई थी क्योंकि उन्होंने भी सुना होगा भाई यहाँ के बारे में, तो उन्होंने कहा भुवनेश्वर आई हुई हूँ पूरी जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए तो यहाँ भी घूमती चलूँ गुफा में, उनको क्या प्रॉब्लम हो तो कहीं भी चले जाएँ। कल यानी कि 8 जुलाई को 2 दिन की रथ यात्रा है ना, 8 जुलाई को आई थी यहाँ पे, कुछ उनका प्रोग्राम भी था और ये गुफा भी घूमने के लिए आई थी। यहाँ बता रहे हैं यहाँ टेंट लगा हुआ था सारे में, और चलते हैं अब, चलिए घूम लिया गुफा, अब चलते हैं सीधा और कहीं तक। मलाई वाला दो, कितने का है जी भाई साहब? 50 का। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी कल राष्ट्रपति भी आई थी यहाँ, पिया अपना नारियल नहीं उन्हें? अरे क्यों भगा दिया यार, आप तो रोज के हो, तो कल की है, कल ही कल तो आई थी यार वो तो भगा दिया है, हमको बोला है अंदर नहीं जाना। अच्छा तो राष्ट्रपति से शिकायत करनी चाहिए थी तुम्हें कि तुम्हारा क्या, हम तो डेली यहाँ लगाते हैं, तुम तो आ जाए हो यहाँ पे, सब तोड़ दिया है, देखो कितना दुकान सब तोड़ के गए। अच्छा दुकानें बनी हुई थी, सब दुकान था राष्ट्रपति के वजह से तोड़ दिया, सब नुकसान कर दिया। तो राष्ट्र बताओ अब यहाँ पक्की दुकानें बनी हुई थी ऐसी लकड़ी की बना रखी थी? पक्की दुकान बनी, पक्की बनी हुई थी यार, बहुत नुकसान कराए तो। एक बात है, इनने यार ये तुड़वा दिया, ये अच्छी बात है क्या? नहीं अच्छी नहीं है। अब ये यहाँ की होके इसे पता नहीं है यहाँ के लोगों को कितनी जरूरत है चीजों की क्या? अब वो तो कुछ आधे घंटे के लिए आई, उन्हें नाश कर दिया सारा, बताओ। आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, बताओ। 20 मिनट में प्रोग्राम, बताओ आपका। अब यहाँ आपकी रोजी रोटी है, डेली का सिस्टम है,
अब बताओ सर, उसे यहाँ की होके वो सोच नहीं रही तो कैसे सोचेगी कोई दुनिया, एक बात आओ हैं हैं गुरु वो बताएंगे। सही कह रहा हूँ? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी। आपके पास पहुँचाई जाएगी, यहाँ पैसे दिए जाएं आपको मुआवजे के रूप में, जो दुकानें टूटी हैं आपकी। तोड़ दिया गया, मतलब कि तोड़ने के लिए बताया गया, तब हमारे दिमाग बताया भी नहीं, इसे अचानक तोड़ दिया गया एकदम, अचानक अनाउंस किया कि तोड़ दीजिए। अब आप एक बात बताइए मेरे को, वो तो यहाँ की है खुद की, वो जानती है यहाँ की पब्लिक को। हाँ। अब उन्हें पता है कि कितना नुकसान होएगा, उन्हें मना कर देनी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए थी दुकान। वो तो राष्ट्रपति के जो हिसाब से, उनका प्रोटेक्शन के हिसाब से हमको तोड़ा। प्रोटेक्शन तो देखिए, वो यहीं रहती थी पहले से, कोई नई तो आई नहीं है यहाँ से, यहीं उड़ीसा की हैं वो भी। हाँ। है ना, अब उन्हें यहाँ की पता है, यहाँ के लोग जानते हैं, सब पहचानते हैं। अब दुकान तोड़ने के, हाँ दुकान बंद करा देते, खुलवाते नहीं, तोड़ना हल थोड़ी होता कि तोड़ देते। बहुत कोशिश की उनको समझाने की, नहीं समझे वो, नहीं समझे, बहुत बहुत नुकसान हो गया। बीडीए गए, काउंसिलर गए, मंत्री को बोले, कोई भी नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार ही नहीं था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबके दिन जा रहे होंगे। मैं अमित तोमर एंड यू वाचिंग 80 ब्लॉग्स। अब मैं आज वापस जा रहा हूँ वहाँ से, जैसे कि पता था आपको, रथ यात्रा में था मैं, जगन्नाथपुरी जी की, और लिंगराज महाराज जी का मंदिर देखा हमने, मुक्तेश्वर महाराज जी का मंदिर देखा, केव्स देखी, और अब जा रहा हूँ मैं सीधा अपने घर की तरफ। सुबह की मेरी फ्लाइट है 5:30 बजने वाले हैं, 8 बजे की फ्लाइट है, तो मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, कैब करी है मैंने, चलते हैं सीधा एयरपोर्ट, मिलते हैं आपसे दिल्ली चलकर। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह बिल्कुल खाली है एयरपोर्ट, चलते हैं हम अंदर। सुबह सुबह खाली पड़ा हुआ है पूरा, ये देख सकते हैं आप, पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये रिजर्व लाउंज है, ये जो है यहाँ पे सिर्फ ये लोग जा सकते हैं। भैया पहुँच गए फाइनली, अब अपने बैठते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ, मिलते हैं सीधा दिल्ली। थैंक यू। तो भैया फाइनली एयरपोर्ट पे दिल्ली लैंड कर चुके हैं और अब चलते हैं सीधा घर की तरफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, till then take care, good bye.